हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बनाने जा रहे हैं लौकी के मसालेदार सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में बहुत इजी है। आप पूरे वीडियो में बने रहिए। तो इसके लिए जार ले लेंगे। उस जार में 1 इंच टुकड़ा अदरक ऐड करेंगे। अदरक को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और 5-6 कली लहसुन ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड करेंगे। छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर लीजिएगा। इसको अच्छे से पीस लेंगे तो एकदम पेस्ट बना लेना है। तो गैस गैस ऑन करेंगे और कुकर रखेंगे दोस्तों, और उसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। ज़्यादातर हम सरसों के तेल में ही बनाती हूँ कोई सा भी खाना। तो तेल एकदम गरम हो गया है, उसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और जीरे को ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसमें साबुत रेड मिर्ची ऐड करेंगे लाल, और अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे दोस्तों, और अच्छे से इसको भून लेंगे। 20 सेकेंड तक भून लेंगे। और ये प्याज है, छोटे छोटे टुकड़े कट किया हुआ है। मीडियम साइज हमने प्याज 2 लिया है दोस्तों। अब इसको ऐड कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रहने देंगे। तो प्याज को हमें सिर्फ 1 मिनट भूनना है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि किस तरीके से प्याज को भून लेना है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से हमें प्याज को भून लेना है। तो हल्दी ऐड करेंगे आधा चम्मच, लाल मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो हमने कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च एक में ही ऐड किया है दोस्तों। तो 20 सेकेंड तक बस इसको भून लेंगे। और ये मसाले हैं, होममेड मसाले हैं, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो 2 चम्मच हमने यूज किया है। तो इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से भून जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे। तो मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारा ऑयल ऊपर ना आ जाए मसाले। तो इसको ढक देंगे। तो दोस्तों इसमें चिकन मसाला ऐड करेंगे। चिकन मसाला या मीट मसाला, आप कोई सा भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो हमारा मसाला के ऊपर तेल आ चुका था, तो इसी जगह पे हमने टमाटर ऐड किया है। तो मीडियम साइज़ है, छोटे छोटे ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़े टमाटर है तो एक यूज करें। अब इसी समय पे हम अरे सॉरी नमक ऐड कर लेंगे ताकि हमारा टमाटर जो है जल्दी गल जाए। तो इसको ढक देंगे जब तक एकदम टमाटर गल ना जाए। तो हम आपको पास पास से दिखाती रहूंगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा टमाटर को स्पून से मैश कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लौकी ऐड करेंगे, अच्छे से धुल कर साफ करके कट कर ली हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कट कर लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं ना ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज में। आप कितने लौकी, जैसे कितने बड़े छोटे, किस हिसाब से बनाना चाहते हैं
उसी अकॉर्डिंग अपना सामान ऐड करेंगे और लौकी को ऐड करेंगे। तो मसाले में लौकी को मिक्स करते हुए अच्छे से मिला लेंगे। इस लौकी की सब्ज़ी में हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि लौकी हमारा एकदम सॉफ्ट है, एकदम ताज़ा है, तो पानी एकदम निकल जाती है, छोड़ देता है पानी इसमें से। तो 1 मिनट के लिए इसको हमने ढक दिया था दोस्तों, अच्छे से चला लीजिए ताकि मसाले एकदम अच्छे से लौकी में मिल जाए। आप इसी तरीके से दोस्तों बनाइएगा, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हैं तो इसको हम ढक देंगे, 3 निकल आने तक हम इसको, 3 सीटी आने तक हम पकाएंगे। तो हमारा 3 सीटी हो, करीब 5-6 मिनट आपको पका लेना है, गैस की फ्लेम को मीडियम ही रहने देना है। तो हमारा ये सब्जी पक चुका है दोस्तों। तो कुकर की गैस की जो स्टीम है उसकी वजह से थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है दोस्तों, तो हम आपको पास पास से दिखाती रहूँगी। थोड़ा धनिया से गार्निश कर देंगे इसमें, और जो इसमें गैस है, जो धुएं निकल रही है, उसी को हम बंद कर देंगे। उसी के थ्रू हमारा ये जो धनिया है वो थोड़ा मिक्स हो, अच्छे हो, सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये सब्ज़ी कैसी बनी है दोस्तों। तो अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, फैमिलीज में भी शेयर कर दीजिएगा, जितने आपके व्हाट्सएप में नंबर हो शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों हमारे पूरे वीडियो में बने रहिए, हम आपको किसी से मिलाती हूँ, जिनको देखते ही मॉर्निंग में देखते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एकदम मस्त हो जाती है दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि उनसे आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वहीं हमारे सब कुछ हैं। अगर वो ना हैं तो हमारी बॉडी एकदम सब बेकार है दोस्तों। तो ज़रूर मिलिएगा, मॉर्निंग का टाइम है। तो आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी कैसी बनी है, हमें बहुत पसंद आई। तो उम्मीद है कि आपको भी ये सब्ज़ी पसंद आएगी। तो एकदम दिल से करिए सूर्य भगवान की जय। सुबह का टाइम है दोस्तों, अगर आप सुबह उठकर सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं और मॉर्निंग में टहलते हैं तो सूर्य भगवान आप पे बहुत कृपा करेंगे और आपके शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं रहेगा, आप एकदम निरोग हो जाएंगे। आप सुबह उठकर टहला करिए, बहुत सुकून मिलता है। तो मॉर्निंग के टाइम की ये सब्ज़ी बनाई थी और वीडियो भी, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करिएगा।